तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो अच्छी होंगे, अभी तो रात हो गई है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि इस तरह से आना पड़ा है अचानक से, बिना सेटअप के, बिना किसी स्टैंड के। तो शायद वीडियो हिल रही होगी, लेकिन आज अभी मैंने एक मूवी देखी है जिसका नाम है फैक्ट्री, फैजल खान, जो कि 30 साल बाद वापसी कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, सुबह तक का मैं इंतज़ार नहीं कर पाया कि सुबह तक इंतज़ार करूँ फिर आपको मूवी रिव्यू दूँ। तो मैं मूवी रिव्यू देना चाहता हूँ, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मूवी आखिर में है कैसी। 30 साल बाद फैजल खान ने जब वापसी की तो उन्होंने कैसी मूवी बनाई है। तो सबसे पहले हम लोग मूवी के प्लॉट की बात कर लेते हैं कि मूवी का प्लॉट आखिर है क्या। दरअसल कहानी यश नाम के एक साइको किलर के इर्द गिर्द घूमती है, और वो जो साइको किलर होता है, यश नाम का लड़का, वो नताशा नाम की लड़की से बे इंतहा प्यार करता है, जैसा कि हमने कई मूवी में देखा है, पुरानी मूवीज़ में, जो कि आज से 20-25 साल पहले जो मूवीज आती थी उनमें जैसा होता था सेम वैसा ही होता है। यश नाम का लड़का होता है जो साइको किलर होता है और नताशा नाम की लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, और उसके प्यार में इस कदर पागल होता है कि वो लोगों का कत्ल सरेआम करते चला जाता है, ना कोई सोच, ना पश्चाताप, ना कुछ, बस उस लड़की को पाना चाहता है, और उसके लिए जो भी बीच में आता है सीधे उसका वो कत्ल कर देता है। मतलब एक साइको किलर होता है, थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस तो है ही है लेकिन थ्रिलर बहुत ज़्यादा है मूवी में। और उस साइको किलर का रोल खुद फैजल खान जी ने निभाया है, निगेटिव रोल बहुत ही उम्दा निभाया है, बहुत ही उम्दा काम किया है निगेटिव रोल में फैजल खान जी ने। और होता क्या है, कई बार पीछे से या फिर अचानक से उनको, जब वो पर्दे पे आते हैं अचानक से किसी सीन में, तो आमिर खान का भ्रम हो जाता है कि जैसे आमिर खान हो, हालांकि उनके भाई हैं, तो एकदम आमिर खान का भ्रम होता है कई बार। निगेटिव रोल में फैजल खान काफ़ी अच्छा जमे हुए हैं, और लगभग लगभग ऐसा नज़र आता है कि पूरी फिल्म फैजल खान अपने कंधे पर उठाए हुए हैं, किसी और रोल का इतना ज़्यादा कोई अहम रोल नहीं नज़र आ रहा है, ना ही कोई इतना ज़्यादा एक्शन, ना कोई इतना ज़्यादा सीन, ना कोई डायलॉग्स, और ज़्यादा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बस ये लग रहा है कि फैजल खान किसी तरह से मूवी को ढो रहे हैं, या फिर उनकी उम्दा एक्टिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, वो खुद मूवी को लेकर चल रहे हैं लेकिन निगेटिव रोल उन पर जम रहा है। पहली फिल्म होने के बावजूद भी नताशा के रोल में रोली रयान ने भी अच्छा काम किया है फैजल का साथ। फिल्म मेले के बाद फैजल खान और आमिर खान में कुछ अंतर सी हो गई थी, उसके बाद से मूवी नहीं बनाई फैजल खान ने, या फिर उनको मूवी नहीं मिली, लेकिन डायरेक्शन में कुछ अच्छा ज़रूर करना चाहते हैं, इसलिए एकदम नई फिल्म लेकर आए हैं फैक्ट्री। हालांकि पुराने कलाकार थे बीच में, उनका थोड़ा सा गैप रहा है, इसलिए कहानी भी थोड़ी सी पुरानी टाइप की लग रही है, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। डायरेक्शन में हाथ आजमाना चाहते हैं, नए रोल या फिर नए चेहरे को भी आजमाया है, डेब्यू रोल दिया है रोली रयान जी को, और तारीफ करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन मूवी ऑन एन एवरेज है, वन टाइम वॉचेबल है। बस दौड़ते नज़र आ रहे हैं इसमें हमारे फैजल खान जी, उतना मज़ा नहीं आया, वो नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी, या फिर जैसा। हालांकि मेला फिल्म फ्लॉप रही थी लेकिन काम बहुत अच्छा था, काम सराहा गया था, 2-4 अवार्ड भी शायद मिले थे, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं अगर मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया था मेला फिल्म में, वो काम इस फिल्म में नहीं कर पाए हैं। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, मेरी तरफ से 2 स्टार मिलते हैं आउट ऑफ 5।